फ्रेंड्स, आज मैं आपसे गुलाब जामुन और रबड़ी की रेसिपी शेयर करूंगी। इसे बनाने के लिए मैं इंस्टेंट गुलाब जामुन पाउडर और रबड़ी मिक्स का यूज करूंगी। फ्रेंड्स, आप में से बहुत लोगों को शिकायत रहती है कि गुलाब जामुन तो बाहर से जल जाते हैं और अंदर से कच्चे रह जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी सारे टिप्स और ट्रिक्स जिससे आपके गुलाब जामुन बिल्कुल परफेक्ट बन के निकले। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। यहाँ एक बड़े बर्तन में मैंने 3 कप चीनी ले लिया है। अब मैं यहाँ 3.5 कप के करीब पानी इसमें डालूंगी। अब गैस का फ्लेम हम लोग ऑन कर देंगे और इसे कंटिन्यूसली स्टर करेंगे जब तक कि इसमें चीनी पिघल ना जाए। अब इसमें 4-5 इलायची फोड़ कर डाल देंगे और इसके साथ साथ हम एक चुटकी भर के इसमें केसर के धागे भी डाल देंगे। फ्रेंड्स, हमें चाशनी तब तक पकानी है जब तक ये थोड़ी चिपचिपी हो जाए, फिर इसे ढककर हम लोग साइड में रख देंगे। अब हम लोग रबड़ी बना लेते हैं। इसके लिए मैंने 500 ml फुल क्रीम मिल्क को इसमें ले लिया है। जब ये गुनगुना हो जाए तब इसमें हम लोग ये रबड़ी मिक्स डाल देंगे। मैंने गिट्स का रबड़ी मिक्स यूज़ किया है। अब इसे कंटिन्यूसली स्टर करते हुए हम लोग पका लेंगे और जब ये गाढ़ी हो जाए तब इसे हम लोग साइड में रख देंगे। अब नेक्स्ट बारी आती है गुलाब जामुन का डो लगाने की। मैंने यहाँ पे करीब करीब 1.5 कप गुलाब जामुन मिक्स लिया है। मैंने करीब करीब 1/2 कप दूध यूज़ करके इसे गूंद लिया था। आप चाहे तो पानी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स, एक बार में सारा पानी या दूध नहीं डालिएगा, थोड़ा थोड़ा डालकर ही गूंदना है और इस तरीके का एक गीला डो तैयार कर लेना है। मैंने इसमें 1/2 चम्मच देसी घी भी मिक्स किया था। इस मिक्सचर से हम लोग छोटी छोटी गोलियां बना लेंगे। फ्रेंड्स, ध्यान रहे इसमें कोई भी क्रैक्स नहीं रहने चाहिए। अगर आपको लगता है कि डो थोड़ा सा सूख गया है और इसमें क्रैक्स पड़ रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा सा दूध या पानी मिलाकर इसे थोड़ा सा गीला कर सकते हैं। हाँ, मीडियम हॉट ऑयल में हम लोग गुलाब जामुन फ्राई होने के लिए डाल देंगे। फ्रेंड्स, ध्यान रहे जब ये अपने आप ही ऊपर आ जाए उसके बाद ही हम लोग चम्मच से इसे पलटेंगे, अदरवाइज़ ये थोड़े से टूट सकते हैं। और इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि एक साथ बहुत सारे गुलाब जामुन फ्राई होने के लिए नहीं डालेंगे, क्योंकि ये गुलाब जामुन फ्राई होने के बाद साइज़ में थोड़े बड़े हो जाते हैं। आखिरी बात हमें ये ध्यान में रखनी है कि इसे हमें लगातार चलाते हुए फ्राई करना है पलट पलट कर, और हमें फ्लेम मीडियम टू लो पर ही रखना है। तेज आंच पे हमें नहीं कुक करना है। इससे गुलाब जामुन अंदर तक अच्छे से कुक हो जाएंगे और बाहर से नहीं जलेंगे। फ्रेंड्स, गुलाब जामुन तलकर आप उनको अलग रख लीजिए और सारे गुलाब जामुन को एक साथ चाशनी में डालिए। ऐसा करने से सारे गुलाब जामुन एक साथ चाशनी सूखेंगे। और फ्रेंड्स, चाशनी का टेम्परेचर भी गुनगुना होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म या ठंडा नहीं होना चाहिए। चाशनी में डुबाने के बाद इसे कम से कम हमें 30 से 40 मिनट तक ढककर छोड़ देना है। उसके बाद ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। अब इसकी प्लेटिंग करके बताती हूँ। मैंने बेस में थोड़े से रबड़ी डालकर उसके ऊपर थोड़ा सा कटा हुआ पिस्ता डाला है और उसके ऊपर गुलाब जामुन रखे हैं। गुलाब जामुन के ऊपर भी रबड़ी डालकर मैंने पिस्ता से डेकोरेट किया है। आपको जैसा मन आप वैसे डेकोरेट कर सकते हैं। देखिए, मैं बीच में से आपको तोड़कर दिखा रही हूँ। एकदम अच्छे से कुक हुए हैं, गुठली नहीं बनी है, बाहर से जली भी नहीं है और चाशनी भी अंदर तक पहुँच गई है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर से शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।